देखो, अब मैं एग्जांपल दे रहा था इसे करने से पहले। सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है, इसके पास कुछ भी नहीं है। हम कांटेक्ट में आते हैं, इसको कोलिजन बोलते हैं। मैंने इसको 80 रुपीज़ दे दिए, खुद 20 रुपये रख लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने कितने पैसे इसे ट्रांसफर कर दिए? 80 रुपीज़। पहला आंसर सही, आप कहोगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने पास कितने पैसे रख लिए? 20। तो अगर मेरे पास 100 रुपीज से, जैसे मैंने बताया, इसके पास 0 थे, आफ्टर कोलिजन या कांटेक्ट आने के बाद ये 20 है और ये 80 है। तो मैंने आपसे पूछा मैंने कितने अमाउंट ट्रांसफर की इसे? 80। कितनी रिटेन कर ली? 20। अच्छा, फ्रैक्शन में बोलो, मैंने कितने फ्रैक्शन इसको ट्रांसफर कर दिया? अमाउंट ऑफ वैल्यू ट्रांसफर 80, टोटल कितनी थी? 100। कैसे पता लगा 100? आपने कहा सर या तो इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो। मैंने कहा वो क्यों? कहते पैसे तो आपस में ही रहेंगे ना, गायब तो हुए ही नहीं, कोई लॉस तो है ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे? 100। तो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड आ गया। फिर मैंने पूछा फ्रैक्शन रिटेन कितना है? तो आपने बोला 20 रिटेन हो गया इसके पास, बच गया अपॉन 100। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैं अब इसको कोलिजन की फॉर्म में पूछता हूं। कोलिजन की फॉर्म में वो कह रहे हैं कि सपोज व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड। कितना ट्रांसफर कर दी काइनेटिक एनर्जी टू अ स्टेशनरी पार्टिकल? तो दो बॉडीज हैं और U2 किस पे है? एट रेस्ट, क्योंकि उसने कहा स्टेशनरी पार्टिकल को हिट किया। जब एक मूविंग पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, लेट अस सपोज U, तो U1 यानी कि U, और सेकंड बॉडी किस पे है? एट रेस्ट। टक्कर हो गई, टक्कर के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी इज V1 एंड इसकी वेलोसिटी इज V2। मुझे पता नहीं V1 V2 क्या होगा, पर कुछ वेलोसिटीज तो होंगी। कोई डाउट इसमें? अगर मैं ये पूछूं कि इनके मासेस का रेशो कुछ गिवन है? गिवन है। पहली बात वो कह रहा है 9 टाइम्स द मास, यानी कि अगर ये एम है और ये कितने है? 9 m है। यहां तक क्लियर है? मेरा पहला क्वेश्चन फिर वही है, फाइंड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। बोलो आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर कर दी पहली बॉल ने दूसरी बॉल को? आंसर क्या होगा? हाफ नाइन एम इंटू V2 स्क्वायर। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये आंसर होगा हाफ 9 m इंटू V2 स्क्वायर एनर्जी ट्रांसफर्ड? कोई डाउट इसमें? नहीं, पैसे ठीक थे, टोटल 100 रुपये थे, इसने 20 रुपये रख लिए, इसने 80 रख लिए, तो अमाउंट ऑफ पैसे ट्रांसफर्ड आपने कहा 80। किससे पूछा आपने? इससे पूछा ना, क्योंकि इसके पास अपना क्या था? कुछ भी नहीं। अब आप देख रहे हो इसके पास 80 रुपीज आ गए, तो आपने कहा कितने अमाउंट ट्रांसफर हुआ? 80। ऐसी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? कुछ भी नहीं। अब कितनी दिख रही है आपको? हाफ 9 m इंटू V2 स्क्वायर। इसका मतलब ये एनर्जी कहां से आई? फर्स्ट बॉल से आई। अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बोलो कितनी है? हाफ 9 m इंटू V2 स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूं फ्रैक्शन बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो गई, तो आप इसको टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दोगे। अब टोटल एनर्जी निकालने का तरीका, किसी ने कहा सर या तो इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो या फिर इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो। बात तो एक ही है, बिकॉज इसमें एनर्जी लॉस तो है ही नहीं, और अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो काइनेट टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। वो 100 रुपए वाला एग्जाम्पल सेम, 100 रुपए प्लस 0 कर दो या 20 प्लस 80 कर दो, बात तो एक ही है। तो रहेगी तो एनर्जी दो बॉल्स के बीच में घूमती रहेगी, तो क्यों ना ऐसा करें इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, दैट इज हाफ इंटू एम इंटू U2 प्लस 0। तो ये क्या आ गई मेरे पास? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि निकालना क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो रुपए वाला दे रहा था, 100 रुपए वाला। फर्क क्या है? रुपए की जगह काइनेटिक एनर्जी आपको खुद निकालनी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं है। तो इसकी एनर्जी निकाल ली हमने, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी में या तो इसकी और इसकी एनर्जी को ऐड करो या इसकी इसकी एनर्जी को ऐड करो, डिवाइड कर दो। कोई डाउट इसमें? तो ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड आ गई। अब एक काम करो, V1 का फॉर्मूला देखो, अगर आपको ये फ्रैक्शन निकालना है तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? V2 की। एक काम करो,
वी टू का फॉर्मूला याद करो क्या था, एम टू माइनस एम वन, एम टू प्लस एम वन इन टू यू टू प्लस टू एम वन यू वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस, अब आप एक काम करो u1 की जगह u पुट करो, u2 की जगह 0 पुट करो, m1 की जगह m पुट करो, m2 की जगह 9m पुट करो, सॉल्व करके v2 निकालो, v2 जो भी आएगा उसको यहाँ पुट करो और परसेंटेज निकालो या फ्रैक्शन निकालो, आंसर वेरीफाई करो, उसका सॉल्यूशन नहीं देखो, यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर वेरीफाई करो कितना आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? नाइन एम, हाँ हाँ वो तो मूव करेगी, टक्कर लगेगी तो मूव तो करेगी ना, मास बराबर है इसलिए, मास तो बराबर है ही नहीं, मास बराबर होता तो वेलोसिटी एक्सचेंज करते, तो ये जीरो तो ये जीरो होता, राइट, मास अनइक्वल है ना तो मूव करेंगे। गया आंसर आ गया, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, कितने परसेंट आ रहा है, आंसर 36 ही है क्या, मैंने सॉल्यूशन नहीं चेक किया पर क्लियर है यहां तक, तो अपना ही मेथड बेस्ट है। ठीक है देखो सबने पुट किया, तो ये तो u2 तो उड़ी गया, रेस्ट पे था u2, तो v2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू m1 की जगह m, u1 की जगह u, m1 की जगह m और प्लस 9m, तो v2 इज इक्वल टू 2mu डिवाइडेड बाय 10m, m से m कैंसल, v2 इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय 5। अब v2 को यहां पुट करो u डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, एम से एम कैंसल, चेक करो 36% आंसर आएगा। मेथड सबको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर वाली, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसने बड़ा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, मुझे इसका मेथड बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक्स और पता नहीं क्या कुछ फ्रैक्शन किया हुआ है। क्लियर है यहां तक? इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, ई नहीं गिवन ना, अगर तो इन इलास्टिक होता फिर ई वन बाई टू वन बाई थ्री कुछ तो गिवन होता, जब कुछ गिवन ही नहीं इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, वैसे लिखना चाहिए इसे, लिखा नहीं वैसे लिखना चाहिए इलास्टिक कोलिजन है, कैटेगरी तो लिखनी चाहिए उसे, नहीं तो कैसे पता लगेगा, राइट, ठीक है यहां तक। पर नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया जिसमें ई गिवन होता है वो इन इलास्टिक होता है, अदरवाइज ई तो वन ही होता है ना। क्या ये मेथड क्लियर है? वैसे तो मैं आपको ये तीन चार बार आज करवा ही दूंगा लेक्चर में, तो एकदम सही हो जाएगा ये, तो इसके लिए काम करो, जो हम शीट लास्ट टाइम हमने 58 की थी, आप 59 नंबर शीट, शीट नंबर 59 आप लोगों को इकट्ठा बंडल मिला हुआ है 58 59 60 61 62 का, तो आप एक काम करो ये पेज खोलो, एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D, देख रहे हो ये शीट मिल गई, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जिनके पास अगर वो नहीं है तो प्लीज प्रिंट आउट लें शीट नंबर 59,
आप लोग लिखें 59 नंबर शीट, नंबरिंग लिखें साथ साथ, ठीक, क्योंकि ये शीट्स अभी के लिए नहीं है, ये 2 साल के लिए चलेंगी, नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगी। और मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर ज़्यादा शीट्स हो चुकी हैं तो प्लीज़ स्पायरल करवा लें, इससे बेस्ट है, शीट घूमने का चांस ही नहीं है। नहीं तो दो दो घंटे एक एक घंटे ढूंढते रहें, ये शीट कहाँ गई, वो कहाँ गई, ये कहाँ गई, वो कहाँ गई, परेशान हो जाओगे। बेस्ट है जब इतनी मोटी शीट्स हो जाएँ उसको स्पायरल करा के छोड़ दें, वॉल्यूम वन। इस तरीके से कई बुक्स बन जाएंगी, 5-6 किताबें तो निकली आएंगी, पक्की बात है, इसमें से मोटी मोटी प्लस टू तक, ठीक। देखो एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D। हम भी तो ये कर रहे थे इलास्टिक कोलिजन, तो अभी तक हम पहली कैटेगरी पे ही बैठे हुए हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो 2 बॉल्स मास एग्जैक्टली सेम है, कोलाइड करती हैं परफेक्टली इलास्टिकली, तो बहुत सही आंसर है इसका। अगर मास सेम है तो वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो राइट। तो यानी कि अगर ये वी है तो ये वी उल्टा चला जाएगा, अगर ये इधर जा रहा है तो अब ये बॉल उधर चली जाएगी, कोई डाउट इसमें? लेकिन ये शॉर्टकट किस में लगेगा? ओनली इन परफेक्टली इलास्टिक। बॉल जिसका मास है 0.1 kg मेक्स हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल सीधा टक्कर मारेगी विद अ बॉल ऑफ अननोन मास, मास नहीं पता m2 का, लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब u2 इज 0 और u1 पता नहीं, u मान लिया मैंने और मास गिवन है। 1.1 kg बॉल रीबाउंड विद 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, तो यानी कि ये रीबाउंड करके टक्कर के बाद इसका मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे चाहिए भी नहीं, मूव कर गई होगी राइट की तरफ ऐसे। तो रीबाउंड करने का मतलब वेलोसिटी v1 की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस यू, यहां भी पुट कर लो माइनस u/3, पुट कर लो यहां भी -u/3। तो उसने कहा जिस वेलोसिटी से बॉल आई थी u रीबाउंड करके विद 1/3 ऑफ द वेलोसिटी, 1/3 का मतलब u/3 से वापस आ गई। अब क्योंकि इसने डायरेक्शन लेफ्ट कर ली तो साइन क्या आएगा यहां पर, -u/3। आपको m2 निकालना है। अब मेरे को ये बात समझ में आती है, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो मेरे को v1 का बड़ा सा फॉर्मूला तो आता ही है इसका, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में v1 गिवन है, v2 तो गिवन नहीं है, तो v2 मुझे चाहिए भी नहीं। तो v1 का फॉर्मूला लिखा, v1 की जगह क्या पुट किया, -u/3, v1 -u/3, m1 की जगह 0.1, m2 मुझे पता नहीं, तो लेट अस सपोज m2 की जगह m लिख लिया, अननोन है, m1 की जगह 0.1, m2 की जगह m, u1 की जगह u, क्योंकि u से आई थी, u2 0 है तो ये तो टर्म उड़ गई, u से u क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास एक ही अननोन रह गया और वो क्या है, मास m। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेशंस अपने आप करें। बट आपको मेथड समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? मेन चीज़ है वो वेलोसिटी के फॉर्मूलाज, अगर फॉर्मूलाज याद हैं हो जाएगा। फिर क्वेश्चन चेंज करके आया सेम कैटेगरी का, अ बॉडी जिसका मास कितना है m, छोटा m, स्ट्राइक एट रेस्ट, स्ट्राइक्स कैपिटल m एट रेस्ट, छोटा m बड़े m को हिट करेगा और बड़ा m किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो u2 = 0 लिख लो, u2 = 0 लिख लो यहाँ पे, और ये लिखो u = u1, यहाँ लिखो u = u1, तो u1 की वैल्यू u है, u2 किस पे है, 0। अब आफ्टर कोलिजन छोटा m हैज अ स्पीड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, बिल्कुल भी नहीं कहा कि रीबाउंड कर गया, अगर रीबाउंड करता फिर -u/3, बोला ही नहीं कुछ भी, यानी कि डायरेक्शन विल रिमेन सेम, तो +u/3, तो v1 इज +u/3। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे को इस क्वेश्चन में m और m की रेशियो निकालनी है, मेरे को v1 दे दिया यही सफिशियंट है, मैंने फिर से v1 का फॉर्मूला लिखा, u2 क्या था, 0, ये टर्म उड़ गई, तो यहां पर v1 की जगह क्या पुट किया, u/3, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, क्योंकि इसने डायरेक्शन को रीबाउंड नहीं किया। तो v1 की जगह क्या पुट किया, u/3, m1 की जगह छोटा m, m2 की जगह बड़ा m, छोटा m बड़ा m, u से u कैंसल, ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये टर्म आ गई, सॉल्व किया छोटा m बड़े m को, ये टर्म आ गई, हमने क्या निकालना है, बड़ा m बाय छोटा m, तो बड़ा m बाय छोटा m क्या आएगा, 2:4, यानी कि 1:2, करेक्शन करो, दिस शुड बी 1:2,
इसको करेक्शन करो, 1:2 आएगा सॉल्व करके। तो छोटा m बाय बड़ा m आएगा 2:1, या बड़ा m बाय छोटा m आएगा 1:2। क्या आपको ये मेथड समझ में आ रहा है और आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि एक जैसी तो क्वेश्चन पूछे जा रहा है वो? तो और क्या है फिजिक्स में, होता क्या है? अब 10 बार ये क्वेश्चन को कर लोगे आप कहोगे है ही क्या था, अंदर कुछ था तो था नहीं, ठीक। 20 बार कर लोगे फिर कहोगे कि अब मैं ही पढ़ा देता हूँ, और 30 बार कर लोगे आप कहोगे ऐसा तो कुछ कराता ही नहीं है यार, ये तो वही चीज़ कराई जा रही है, ऐसी तो है और क्या है। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और एक दिन बोलोगे कॉम्पिटिशन में करते क्या है, वो कुछ भी तो नहीं करते, बहुत आसान चीज़ पूछते हैं, बस लोग ही नहीं पढ़ते। जैसे मैं बोलता हूँ हर बार, हर साल पढ़ाने के बाद, पेपर देखने के बाद यही बोलता हूँ, इसलिए रह गए क्योंकि यार पढ़े ही नहीं। कोई इसलिए कभी नहीं बोलता कि मैं कर नहीं सकता था। मेंस और नीट ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो बिल्कुल 60-70% का स्टूडेंट हो लेकिन रोज पढ़े, वो भी क्लियर कर सकता है। यही तो गेम का मजा है। एडवांस लेवल में हाँ ज़्यादा IQ चाहिए, एडवांस लेवल लेवल 2 है उसमें ज़रूर मैं मानता हूँ कि एक आम स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। पर मेरा ये भी मानना है दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं, लोग करते ही हैं, बस हौसला हार जाता है कोई और, कोई नहीं हारता, बस इतनी सी बात होती है। जो नहीं हारता वो करता जाता है, जो हार जाता है वो चीज़ को छोड़ देता है, बस इतनी सी बात है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो प्रैक्टिस करो और कुछ भी तरीका नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पढ़ना। सेम है, सही है, मास्टरी हो रही है इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है। देखो इसके अंदर फिर से इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में छोटा m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u, तो u1 = u, स्ट्राइक्स अ पार्टिकल ऑफ मास k into m। देखो इसमें चलाकी कर गया वो, आपको ठीक लग रहा है मैं मानता हूँ, उसने ये चलाकी की कि वो ना k टाइम्स मास दे देता, k into m, या फिर वो ये दे देता। नहीं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मास k टाइम्स m है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी वो क्या करता है, जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो कह रहा है एक बॉडी है और वो हिट करेगी दूसरी बॉडी को जिसका मास 1/m टाइम्स ही फर्स्ट बॉडी है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि 1/k टाइम देता तो k फ्रैक्शन था, जान के m दे रहे क्यों, ताकि लोग इसको m लें, इसको भी कुछ m लें और m अपॉन m करके उसे कैंसिल करके m में उलझ जाएं। तो 1/2 दे दे, 1/3 दे दे, 1/k दे दे, 1/m दे दिया। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि 1/m टाइम्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मास m है, m कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी u है और एक मास कितना है, k टाइम्स m है, ठीक है, एक m है तो दूसरा k m है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मासेस बना लिए आगे, अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, v1 v2 वेलोसिटी हो जाएंगी। अब वही सेम क्वेश्चन जो आज किया था, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द स्ट्रक पार्टिकल, जिसको हिट किया गया, स्ट्रक किया गया, उसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। आज किया हमने ये क्वेश्चन, कैसे किया, काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी कितनी शुरू में, कुछ भी नहीं, अब कितनी है, 1/2 km into v2 square, यानी कि ये एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल ने सेकेंड को क्या कर दी, ट्रांसफर। फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल एनर्जी से डिवाइड, टोटल एनर्जी निकालने के दो तरीके, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस या फिर दिस एंड दिस, एक ही बात है। तो इससे निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी जीरो है इनिशियली, तो टोटल एनर्जी में 1/2 m u² या u1 square, क्लियर है, वही सेम क्वेश्चन है जो आज हमने किया था। और u1 को क्या पुट कर सकते हैं, सिंपली u, 1/2 m 1/2 m कैंसल। अब क्या चाहिए होगा मुझे, v2, तो मैंने v2 का बड़ा सा फॉर्मूला लिखा, v2 में u2 क्या पुट कर दिया, जीरो, तो m1 की जगह m, m2 की जगह km, u1 की जगह u, तो आप यहां से वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, v2 को उठा के यहां पुट करें,
इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा 4 यू स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता भी, आपके स्कूल में भी आता है, कॉम्पिटिशन में भी आता है, तो इस टाइप से करना है, पर याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है टेक्निक इंपॉर्टेंट है, टेक्निक आगे खुद हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? अब इसी में अगला पार्ट है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो कि क्या हो गई, रिटेन कर ली फर्स्ट पार्टिकल ने। मुझे एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास एनर्जी थी काइनेटिक, सेकेंड बॉल किस पे थी, एट रेस्ट, और मान लो मैंने इसको 3/4 ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो मेरे पास थी इसको दे दिया, तो कितना फ्रैक्शन गया 3/4, खुद कितना रख लिया 1/4, क्योंकि फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1, तो अगर 3/4 चला गया तो बचा कितना 1 - 3/4, सेम है। ये जो फ्रैक्शन आई थी, ये फ्रैक्शन है, देखने में अजीब लग रहा है पर ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर, तो बची कितनी 1 में से इसे क्या कर दें माइनस, तो आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले, ओपन करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 2ab, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, के माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या आ गई, रिटेन, बच गई पहले बॉल के पास। तो मेथड समझ में आ रहा है, ठीक है यहां तक? जैसे शो दैट व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को टक्कर मारती है और दूसरी बॉडी किस पे है, रेस्ट, विद मास 1/m × m1, यानी कि इसका जो मास है m2, 1/m × m1 है, गिवन है यहां तक। तो आपको यह बताना है कि फर्स्ट बॉडी ने इतनी एनर्जी ट्रांसफर की स्टेशनरी बॉडी को, सेम क्वेश्चन है फिर से, तो एनर्जी ट्रांसफर की फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, अब कितनी एनर्जी है 1/2 m2 v2 square, ये एनर्जी ट्रांसफर्ड है, और टोटल कैसे निकलती है, इसका और इसका सम 1/2 m u1 square, ठीक वही सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर v2 निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, लिख लिया, u2 क्या है 0, ये टर्म उड़ गई, m1 की जगह m1, m2 की जगह m1/m, तो यहां से m1 कट जाएगा कॉमन निकाल के, तो क्या बचेगा 1/m, एलसीएम लेंगे रीअरेंज करेंगे तो v2 आएगा, इस v2 को यहां पुट करो, होल स्क्वायर हो जाएगा इस टर्म का, और फिर इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और आंसर आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है, या आपको लिख के कैलकुलेशन वाइज देखना पड़ेगा, पर कॉन्सेप्ट वाइज ये एग्जैक्टली सेम है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है, ठीक? और इस क्वेश्चन को रीड करना प्लीज, एक मिनट।
अ बॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ हेवी वॉल, बहुत भारी दीवार है और कमाल की बात है इसमें दीवार भी मूव कर रही है, और मूविंग टूवर्ड्स द बॉल विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। दीवार राइट, बॉल राइट जा रही है 2, दीवार लेफ्ट आ रही है विद 1, और इलास्टिक कोलिजन है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इस ये U1 है, ये U2 है, ये राइट जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये लेफ्ट आ रहा है तो ये नेगेटिव है। टक्कर के बाद ये ऑब्वियसली राइट नहीं जा सकता, टक्कर के बाद ये लेफ्ट ही आएगा, तो ये -3 के साथ मान लो इधर आ गया, और दीवार को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हैवी दीवार है, तो इसकी वेलोसिटी विल रिमेन सेम। ये पहले भी 1 के साथ इधर आ रहा है, ये अब भी 1 के साथ इधर आ रहा है, कोई डाउट है इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इसमें V1 निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं V1 का फॉर्मूला यूज करूं बड़ा सा, उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उस फॉर्मूले में मुझे मासेस चाहिए बॉल का और दीवार का, दीवार का मास तो है ही नहीं, तो वो फॉर्मूला तो नहीं चल सकता। और अगर वो नहीं चलता तो फिर आपको एक काम करना है, एक ही तरीका है, रेस्टिट्यूशन यूज कर लो। रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या होता है, 1, तो रेस्टिट्यूशन है कितना, V2 - V1 / U1 - U2। आप चेक कर लो V2 कितना है -1, V1 कितना है -3 ऊपर डायग्राम से, U1 की वैल्यू 2 और U2 की वैल्यू -1। आप चेक कर सकते हो ये सारी वैल्यू जो ऊपर हमने लिखी, U1 की V1 की और V2 की, पुट किया, सॉल्व किया और यहां से मेरे पास आंसर आ गया V का। तो मतलब अगर एक बॉल का मास ना गिवन हो या एक दीवार का मास ना गिवन हो, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रेस्टिट्यूशन। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो प्लीज। दीवार का मास गिवन हो, वही तो था ये, दीवार का मास ही नहीं गिवन तब तो रेस्टिट्यूशन यूज, अगर गिवन होता है तो V1 का फॉर्मूला यूज कर लेते, दोनों में से कोई एक, ये भी कर सकते हो हर में, जो मर्जी कर लो। ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ो प्लीज।
इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है कि मास आपने एम ए कैसे लिया, मास आपने एम ए कैसे लिया। देखो इसके अंदर ये अज्यूम कर लिया कि न्यूक्लियॉन का मास एक जैसा होता है। नॉर्मली न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं प्रोटोन को और न्यूट्रॉन को, दोनों के मासेस डिफरेंट होते हैं। बट इसके अंदर हमने एवरेज मास ले लिया सबका, न्यूक्लियॉन का सेम है, चाहे न्यूट्रॉन होगा चाहे प्रोटोन होगा, एम ही बोल रहे हैं आपने। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं न्यूट्रॉन ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो ठीक है कोई वेलोसिटी वी है इसमें या यू है जो भी है, काइनेटिक एनर्जी ई कोलाइड्स इलास्टिकली हेड ऑन विद अ मास नंबर ए। मास नंबर का मतलब जो एटॉमिक मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर न्यूट्रॉन का मास एम है तो न्यूक्लियॉन का मास भी हम तो एम ही मान रहे हैं, गिवन होना चाहिए न्यूक्लियॉन का मास एम है इसमें। तो न्यूक्लियॉन का एक न्यूक्लियॉन अगर एम है तो कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में? ए। तो टोटल मास कितना हो गया? एम ए। लाइंग एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन वी वन वी टू, तो बस वही सेम क्वेश्चन पूछी जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड कितनी है? रिटेन्ड का मतलब कितनी बच गई, तो कितनी बची? हाफ एम वी वन स्क्वायर। टोटल कितनी थी इन दोनों का सम? इसका सम कितना है? ये तो जीरो है। हाफ एम इंटू यू वन का स्क्वायर। ठीक, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने वी वन का फॉर्मूला चाहिए, वी वन के फॉर्मूले में यू टू को जीरो पुट करें, पहला मास एम पुट करें, सेकंड एम ए पुट करें, सॉल्व करके वी वन निकाल लें, इस वी वन को उठा के यहां पुट करें, होल स्क्वायर करें, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा। तो आई होप कि काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड का अगर प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे करना है। सारे एक जैसे प्रॉब्लम्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है और ये आ भी जाते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट जो शीट है, नेक्स्ट इज शीट नंबर 60। ये जो शीट है आपको इकट्ठी मिली हुई है, आप इसकी नंबरिंग 60 करें, और अगर रिकॉर्डिंग में आपको नहीं मिली कोई शीट नंबर तो ये शीट नंबर 60 का प्रिंट आउट लें, 60। ठीक, इस शीट को करने से पहले एक और काम करें, शीट नंबर जो 62 थी ना, जो आज हम कर रहे थे 62, शीट नंबर 62 जो शुरू में यहां से स्टार्ट किया था, एक तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 करें और वेरीफाई करें कि आपको आज के न्यूमेरिकल समझ में आए या नहीं आए, टेस्ट हो जाएगा। अनसॉल्वड 5 करें, और एक चैलेंज है, मतलब चैलेंज ही कहूंगा क्योंकि मैंने करवाया नहीं, बट मैंने लास्ट टाइम एक हिंट दिया था, एक स्टूडेंट का ही हुआ था दूसरे बैच में, हो सकता है आप में से कोई एक स्टूडेंट कर ले, तो एक 5 करें और एक 10th करें। 10th मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप नहीं कर पाएंगे, कर जाएंगे तो खुशी होगी। पहले 5 और फिर 10।
चलो देखो कितने लोगों को फिफ्थ में प्रॉब्लम है पहले, तो एक मिनट ई स्क्वायर आ गया, कितने को फिफ्थ में प्रॉब्लम है पहले, फिफ्थ में व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू अ स्टेशनरी पार्टिकल और मास क्या है, 4 times है। तो एक काम करते हैं, ये u मान लेते हैं u1 और ये क्या है u2 इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर कोलिजन लेट अस सपोज ये v1 है और आफ्टर कोलिजन लेट अस सपोज ये v2 है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रैक्शन कितनी ट्रांसफर हो गई आज हमने किया, क्या बोलेंगे बोलो, हाफ इंटू 4m इंटू v2 का स्क्वायर अपॉन टोटल एनर्जी में बोलो हाफ m इंटू u1 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, ये किया सबने, v2 का फॉर्मूला लिख लें, m2 माइनस m1, m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2, m2 की जगह 4m, m1 की जगह m, u2 कितना है 0, m1 की जगह m, इसकी जगह u, m एंड 4m, v2 निकाल के यहां पुट करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, मेथड क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ओके। अब स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया टेंथ करने के लिए, कितनों का हो गया ई स्क्वायर एच आंसर है इसका, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करने के लिए एक काम करेंगे, मैं हो गया ओके, लास्ट क्वेश्चन को करने के लिए एक पॉइंट को समझेंगे पहले, फिर करेंगे लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन या कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर इस पेन को मैं 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर गिरूं तो इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए क्या होगी, ज्यादा की कम, टॉप मोस्ट पॉइंट पर और फिर वापस आते हुए इंक्रीज, और मेरे हाथ में पेन कितनी वेलोसिटी से वापस आएगा, 50, ये रूल होता है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। तो जितनी वेलोसिटी से किसी भी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी से वो हाथ में वापस आती है, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड। कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने पेन को काइनेटिक एनर्जी दी थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल, फिर नीचे आते आते पोटेंशियल कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ती जा रही है और वापस पोटेंशियल किस में, काइनेटिक में, तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम। इसका मतलब कि ये तो नहीं कह सकते कि ये 50 मीटर पर सेकंड से गई थी और 20 मीटर पर सेकंड से हाथ में स्ट्राइक करती है, नहीं, वो तब हो सकता है जब एयर की रेजिस्टेंस, और हम एयर के रेजिस्टेंस को तो कंसीडर करते ही नहीं है, तो यानी कि जितनी वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंकते हैं एग्जैक्टली उतनी वेलोसिटी से बॉल वापस हवा में आती है, ये पहला रूल क्लियर है, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम बताओ, अगर मैंने एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को हिट करवाया और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कोई लॉस नहीं है, तो वो वापस कितनी वेलोसिटी से जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं है, तो ये बॉल दूसरी बॉल को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगी, एनर्जी अपने पास रखेगी, तो जो वेलोसिटी से आई थी उसी वेलोसिटी से वापस चली जाएगी। डाउट इसमें, ये स्टेप भी क्लियर है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि यहां पर लॉस है और रेस्टिट्यूशन गिवन है 1/3, तो बताओ कितनी वेलोसिटी से हिट करने के बाद बॉल ऊपर जाएगी, 10/3। मैंने रूल करवाया था कि अगर अगर बॉल यू से आती है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ई इंटू यू माइनस साइन, तो यू का डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही होगी, ई टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी। कोई डाउट, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, ई इंटू 10, ई कितना है 1/3 इंटू 10, कितना 10/3। कोई डाउट इसमें, ये भी रूल क्लियर है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सपोज एक बॉल है, एक बॉल को मैं रेस्ट से रिलीज किया, यू इज इक्वल टू 0,
ये बॉल नीचे 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 आएगी, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एच, नीचे आते आते ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, ग्राउंड को हिट करेगी। बोलो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी ग्राउंड को? यू कैन अप्लाई वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू जी, तो वी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ, तो वी इज अंडर रूट ऑफ टू जी एच, को डाउट इसमें? इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड को क्या करेगी? हिट करेगी। समझ में आया यहां तक? अब सपोज इन इलास्टिक कोलिजन है और ग्राउंड का ई आपको पता है, यानी कि ई देने का मतलब एनर्जी का लॉस होना ही होना है, तो जिस वेलोसिटी से बॉल आई इमीडिएटली इतनी वेलोसिटी से हिट करती है, इमीडिएटली जाते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बोलो ई टाइम्स अंडर रूट ऑफ टू जी, यही रूल है, जाते हुए हिट करने पे वेलोसिटी कितनी टाइम्स हो जाती है? ई टाइम्स हो जाती है। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो क्वेश्चन ये है, ये ऊपर 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 जाएगी पर अब ये एच तक नहीं जा पाएगी क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है, अपना एनर्जी का लॉस कर चुकी है, तो इसलिए ये एच हाइट पर वापस नहीं आएगी, एच डैश पे रह जाएगी। तो सपोज ये हाइट कितनी है? एच डैश। क्वेश्चन है एच डैश निकाल लो। ठीक, दो तरीके होते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, पहला काइनेमेटिक्स। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी फिर से एक बार क्या हो जाएगी? जीरो। और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हवा में कहीं पर भी अगेंस्ट ग्रेविटी या ग्रेविटी के फेवर में एक बॉल को घेरो, हर वक्त टोटल एनर्जी का सम क्या रहेगा? सेम। हम करते हैं, जैसे जब बॉल यहां से चली थी तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, इनका सम एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम, राइट? अगेंस्ट ग्रेविटी जो टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ग्राउंड पे कितनी है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जब ये चली थी? हाफ एम इंटू ई इंटू अंडर रूट ऑफ टू एच का स्क्वायर, ये थी वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी ई टाइम्स हुई है। अब ये ऊपर जा रही है, पोटेंशियल कितनी एक्वायर कर लेगी? एम जी एच, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक कितनी है? इक्वेट करते हैं तो एम जी एच डैश हाफ एम ई इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी एच का होल स्क्वायर, एम जी एच डैश हाफ एम ई स्क्वायर टू जी एच, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, टू से टू, जी से जी, एम से एम, एच डैश की वैल्यू क्या आ गई? ई स्क्वायर। यही था वो टेंथ न्यूमेरिकल कि हाइट पहले बाउंस के बाद कितनी हो जाएगी? ई स्क्वायर टाइम एच हो जाएगी। क्या ये रूल क्लियर है? पहले बताओ, कोई डाउट इसमें? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। काइनेमेटिक्स लगाना है, काइनेमेटिक्स लगा लो। आप लगा लो यहां पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू माइनस जी इंटू एच चलेगा, पर मेरे को ये ज्यादा आसान लगता है। एनर्जी कंजर्व कर दो नीचे और ऊपर, आंसर माइनस का चक्कर नहीं, कुछ चक्कर नहीं, इनिशियल फाइनल सेम आंसर। अब तो दो मर्जी, जो मर्जी कर लो, काइनेमेटिक्स लगाओ, एनर्जी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। याद क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन, जो लोग समझ चुके हैं तो अब ये बताएं, ये बॉल यहां पर गई, अब हमेशा हवा में तो नहीं अटक जाएगी ना, कहां गिरेगी? नीचे। ग्राउंड को अब दूसरी बार हिट करेगी, अभी तो एक ही बार किया था, ऊपर गई, अब दूसरी बार नीचे करेगी, फिर ऊपर जाएगी। अब जब ऊपर जाएगी, अब जब वापस हिट करने के बाद नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगी, नीचे गिर गई यहां पर, तो अब वो हाइट और भी कम कवर करेगी, एच डबल डैश। बोलो एच डबल डैश क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एच? एच डबल डैश क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एच? करने दो,
आपने क्या किया, पहले एच था ना, ग्राउंड से हिट करने के बाद एनर्जी लॉस हो गया, एच डैश हो गया, आपने एच डैश निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है, अब एच डैश से नीचे गिरेगी बॉल, अगले थप्पे में एच डैश से भी नीचे रह जाएगी एच डबल डैश, तो एच डबल डैश निकालो इन टर्म्स ऑफ एच डैश, नहीं क्योंकि एच डैश के टर्म में तो आपको आंसर आता है, एच डबल डैश इज ई स्क्वायर इनटू एच डैश, मेरे को एच की टर्म में बताओ क्या होगा। लगता है कि पावर 4 आंसर आएगा। देखो मैंने आपको भी हिंट दिया, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने ये कहा कि सपोज अगर हाइट h है, एक टक्कर होने के बाद हाइट कितने टाइम हो जाती है, ई स्क्वायर हो जाती है, शॉर्टकट हो गया फॉर्मूला, हाइट कितने टाइम हो जाती है, ई स्क्वायर पुरानी हाइट हो जाती है। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर h हाइट से बॉल गिरती है, अगली हाइट e स्क्वायर इनटू h हो जाती है, अगली हाइट e स्क्वायर इनटू h डैश हो जाएगी, और h डैश डबल डैश इज e स्क्वायर इनटू h डैश कितना है, e स्क्वायर h, e रेज टू पावर 4h हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर आपके पास हाइट h है, एक टक्कर के बाद अगली हाइट h नहीं होगी, e स्क्वायर h होगी, अगली हाइट e स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया, e रेज टू पावर 4h होगी। अच्छा बोलो अगली हाइट क्या होगी, फिर e स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो e रेज टू पावर 6h हो जाएगी, अगली हाइट क्या होगी, e रेज टू पावर 8h, अगली क्या होगी, e रेज टू पावर, और ऐसी nth बार जब टक्कर होगी तो हाइट क्या हो जाएगी, एच एन के केस में एच ई रेस टू पावर 2n हो जाएगी। 2n क्यों, सोचो n का मतलब नंबर ऑफ टक्कर, एक टक्कर का मतलब n इज इक्वल टू 1 ई स्क्वायर, दो टक्कर का मतलब 4, 2 इंटू 2 4, तीन का मतलब 6, 8, 10 एंड सो ऑन, शॉर्टकट बन गया। तो h यानी कि जो nth nth रीबाउंड पे जो हाइट होगी e की पावर 2n का फॉर्मूला फॉलो करेगी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो शॉर्टकट रिवाइज करें, अगर आपके पास बॉल की वेलोसिटी v है, v पहली टक्कर पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, e टाइम्स v, e टाइम्स v, फिर वो बॉल वापस टकराएगी, जैसे सपोज करो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास ये ग्राउंड है, ये बॉल लेट अस सपोज u इज इक्वल टू 0 से, या सपोज ऐसी करते हैं, ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है विद द वेलोसिटी ऑफ v, रेस्टिट्यूशन है तो वापस कितनी वेलोसिटी से जाएगी, बोलो ev, ev से गई, फिर ये हवा में ऊपर कहीं आएगी, इसकी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0, फिर ये नीचे गिरेगी, जब ये नीचे गिरेगी वापस आएगी नीचे गिरते हुए, तो बोलो कितनी वेलोसिटी से इसको हिट करेगी ग्राउंड को, ev, सेम वेलोसिटी, क्यों, मैंने आपको आंसर अभी क्वेश्चन पूछा था, अगर 10 मीटर पर सेकंड से इस पेन को ऊपर गिरे 0 और वापस ये हिट करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 10, तो वही चीज है, एक बार v से हिट हुआ, टकराया, टकराने पे वेलोसिटी e टाइम हो गई, फिर ऊपर गया, ऊपर तो कोई टक्कर नहीं है, फिर हिट करेगा ग्राउंड को विद द सेम वेलोसिटी, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से बॉल ऊपर जाती है उतनी वेलोसिटी से वापस हिट करेगी ev, अब सेकंड टक्कर होगी, सेकेंड टक्कर में वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, e टाइम्स पुरानी वेलोसिटी, पुरानी वेलोसिटी कितनी है ev, तो नई वेलोसिटी कितनी है e स्क्वायर v, तो एक टक्कर के बाद वेलोसिटी e टाइम, दूसरी टक्कर के बाद e स्क्वायर टाइम्स v, तीसरी के बाद e क्यूब टाइम्स v, चौथी के बाद e रेस टू पावर 4 टाइम्स, nth के बाद बोलो वेलोसिटी क्या होगी, e रेस टू पावर n टाइम्स v, क्लियर है? तो हर टक्कर में वेलोसिटी e टाइम हो जाती है, हर टक्कर में हाइट e रेस टू पावर 2 टाइम्स हो जाती है, ये दो शॉर्टकट याद रहेंगे, वेलोसिटी e टाइम होती है और हाइट e रेस टू पावर
स्क्वायर टू टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। शॉर्टकट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दो अगर ये क्लियर है तो। लो सपोज, लेट अस सपोज एक बॉल नीचे यूज इक्वल टू जीरो से रिलीज करते हैं, एच डिस्टेंस पे वो ग्राउंड को हिट करती है, ठीक, कितनी वेलोसिटी से हिट करती है? अंडर रूट ऑफ 2gh। नीचे गिरने का टाइम टी है, टी है, फिर ये बॉल ऊपर गई, ऑब्वियसली रेस्टिट्यूशन ही है तो एच हाइट पे तो गई नहीं होगी, एच डैश पे गई होगी, पक्की बात है। फिर एच डैश से नीचे हिट करती है तो अगली हाइट कितनी है? एच डैश से नीचे हिट करती है तो टाइम टेकन इज टी डैश। अब ये टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी क्या होगा? क्वेश्चन ही सुना, देखो तो पहली बार बॉल नीचे गिरती है इन टाइम टी, फिर अगली बार ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगी इन टाइम टी डैश। टी डैश और टी का रिलेशन निकालना है, ये क्वेश्चन है। स्क्वायर टी कि ई इंटू टी आएगा। देखो पहले बताओ टाइम होगा क्या, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लूं यहां पे, तो पहली जर्नी में एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। अच्छा ये बताओ एच डैश क्या होगा? ई स्क्वायर इंटू एच का फॉर्मूला यूज कर लूं, अभी जो शॉर्टकट किया था, जो सेकेंड हाइट है वो ई स्क्वायर हो जाती है, तो बॉल जब यहां से चलेगी टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे गिरेगी, फिर से फॉर्मूला एच डैश इज जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर लगा ले। सेकेंड जर्नी में सेम फॉर्मूला, एच डैश को क्या पुट करेंगे? ई रेस टू पावर स्क्वायर इंटू एच, एच के टर्म में इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू कितना? टी डैश का स्क्वायर। एच की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, ई स्क्वायर इंटू एच हमने निकाला हुआ है हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर, जी से जी, हाफ से हाफ कैंसल, टी डैश इज इक्वल टू ई इंटू टी। आंसर तो टी डैश क्या होगा? ई टाइम्स पहला टाइम हो जाएगा टी। काइनेमेटिक्स तो यूज कर रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा इसमें तो मैं यूज। ठीक, तो शॉर्टकट करें तो अगर एक पहली बॉल नीचे गिरने में टाइम लेती है टी, तो एक टक्कर के बाद दूसरी बार जब बॉल नीचे आएगी टाइम क्या लेगी? e इंटू टी। फिर टक्कर खाएगी, फिर कितना टाइम लेगी? e स्क्वायर इंटू टी। नेक्स्ट बार e क्यूब इंटू टी एंड e रेज़ टू पावर n इंटू टी। ठीक, तो वेलोसिटी e टाइम होती है एक टक्कर के बाद, टाइम e टाइम होता है एक टक्कर के बाद, हाइट e स्क्वायर टाइम होती है एक टक्कर के बाद। तो ये शॉर्टकट आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आएंगे। ठीक, स्कूल में तो कोई नहीं लिख पाएगा, स्कूल वाला काम तो वही था जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे शीट में से, कंपटीशन में भी आता है वो और ये भी आता है। ठीक है, यहां तक तो ये हो गया। इन इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है? बस यही तो थी इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, बाकी और मैं आपको प्रॉब्लम करके दिखाता हूं एक दो इन इलास्टिक कोलिजन की। यहां तक क्लियर है? देखो फिर देखते हैं एक बार, शीट नंबर 59, ये हो गया था अभी नहीं, ये हो गई,
60। इस शीट के ऊपर लिखो शीट नंबर 60, ठीक, शीट नंबर 60। तो पहला एग्जांपल हमने कर लिया, सेम वेलोसिटी ई टाइम हो जाती है। दूसरा एग्जांपल हमने कर लिया जिसमें हाइट कितने टाइम हो जाती है, ई स्क्वायर टाइम हो जाती है। तीसरा एग्जांपल हमने कर लिया जिसमें टाइम ई रेज टू पावर ई टाइम हो जाता है, ई टाइम। ये तीनों एग्जांपल हमने कर लिए। नेक्स्ट है बॉल फॉल ऑन वर्टिकली ऑन ग्राउंड। एक बॉल वर्टिकली ग्राउंड पे गिरती है, टकराती है और फिर वापस चली जाती है। एंड बाउंसेस बैक रिपीटेडली, फिर आती है, टकराती है, ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, टकराती है, चली जाती है। तो जैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली बॉल ऐसे करती जा रही है, कितनी बार बाउंस करती है मुझे मालूम नहीं, काफी बार करती होगी, नंबर पता नहीं कब रेस्ट पे आएगी, पर यह पता है कि हर बार मोमेंटम में तो पक्का चेंज है। मोमेंटम में कैसे चेंज है, एक रिजल्ट मैंने काफी बार यूज किया था फोर्स में। अगर एक बॉल वी वेलोसिटी से मूव करती है और मान लो ये दीवार है और मान लो कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, तो बॉल वापस रीबाउंड हो जाएगी विद द सेम मोमेंटम एम वी, राइट। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पर मैंने सिखाया था कि अगर यहां की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो यहां की डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, या इधर नेगेटिव इसको पॉजिटिव मानते हो तो इसको नेगेटिव, कुछ भी कर लो। तो मान लो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम में माइनस माइनस लगेगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, 2 mv। जीरो नहीं बोलना, मैंने काफी बार समझाया था जब डायरेक्शन चेंज होती है तो जीरो नहीं बोलते, कोई डाउट इसमें। तो इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं, अगर एक बॉल मूव करती आ रही है विद अ मोमेंटम ऑफ पी और जाने का मोमेंटम भी पी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आंसर होगा, 2p। जीरो नहीं बोलना, क्लियर है यहां तक। तो क्वेश्चन है एक बॉल आ रही है विद अ मोमेंटम ऑफ पी, मोमेंटम पी, टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ई टाइम, तो मोमेंटम भी कितने टाइम हो जाएगा, ई टाइम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ई टाइम तो मोमेंटम भी ई टाइम। तो ये क्लियर है, पहली टक्कर हो गई। चेंज इन मोमेंटम बोलो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल के आगे माइनस साइन लगेगा बिकॉज डायरेक्शन उल्टी थी फाइनल से इसकी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सेम रूल, वो पी माइनस माइनस पी, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। तो ये पहला चेंज इन मोमेंटम आया। अब दूसरी बार क्या होगा, अब एक बार मोमेंटम पी, दूसरी बार ई इंटू पी, तीसरी बार ई स्क्वायर इंटू पी, चौथी बार ई क्यूब इंटू पी। तो अब देखो, तो पहला चेंज इन मोमेंटम आ गया, दूसरी बार वो हिट करेगी सेम मोमेंटम ई पी, लेकिन टक्कर के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर पी। तो चेंज इन मोमेंटम बोलो ई स्क्वायर पी माइनस माइनस ई पी। ये स्टेप समझ में आ रहा है, ठीक। पहली बार देखो मोमेंटम कितना था, पी, दूसरी बार कितना, मतलब पी से आया ई पी से चला गया, तो चेंज इन मोमेंटम ई पी माइनस माइनस पी। फिर दूसरी बार ई पी से आया, ई स्क्वायर पी से चला गया, तो ई स्क्वायर पी माइनस माइनस ई पी। तो इस तरीके से दो दो करके लेते जाएंगे, तो चेंज इन मोमेंटम यहां पर माइनस माइनस, फिर से एक बार प्लस, कॉमन निकाल लो ई पी, तो क्या आएगा, ई पी इंटू ई प्लस वन, दूसरा चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसी वो कह रहा है ऐसे हुत, इसका ये पेज की नंबरिंग डिफरेंट है, प्लीज गलत हो गई है, नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज के साथ कंटिन्यू करना है इसे, ये रहा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है जब तक बॉल रुकेगी नहीं, तो ऐसे तो कितनी बार बाउंस करेगी, इनफाइनाइट टाइम्स बाउंस करेगी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम में पहला चेंज इन मोमेंटम, दूसरा, तीसरा और इनफिनिटी तक, इनफाइनाइट मतलब मुझे पता नहीं कब तक। तो पहला चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, पी इंटू वन प्लस ई, दूसरा कितना आया था, ई टाइम्स पी इंटू वन प्लस ई, नेक्स्ट क्या आएगा, ई स्क्वायर इंटू पी इंटू वन प्लस ई इनफिनिटी। यहां से कॉमन निकलेगा, पी इंटू वन प्लस ई, सब में कॉमन आ रहा है तो पी भी बाहर आ गया, वन प्लस ई भी बाहर आ गया, इसकी जगह वन, पी इंटू वन प्लस ई कॉमन तो बचेगा ई, इसकी जगह ई स्क्वायर अप टू इनफिनिटी। मेडिकल के लोग देख लें, नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ गया होगा, ये जीपी बन चुकी है। इस टाइप का सीक्वेंस देखो, बड़ा कमाल का सीक्वेंस है, ई वन, ई ई स्क्वायर, ई क्यूब, ई फोर एंड सो ऑन। खास बात ये है
अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो तो आंसर ई आता है, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हो तो भी ई आता है, नेक्स्ट को करोगे ई क्यूब को ई स्क्वायर से तो भी ई आएगा। किन्हीं भी दो टर्म को डिवाइड करके अगर आंसर सेम आता है उसको मैथ्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। और मैथ्स में इसको इसका सम निकालने का तरीका, और मेडिकल में इतने क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव इनफाइनाइट तक, अगर ये चलता जाए तो जीपी का सम का फॉर्मूला प्लीज लिख सकते हैं मेडिकल वाले, ए अपॉन वन माइनस आर। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो देखो ए का मतलब पहली टर्म, इधर देखो मेडिकल के लोग, पहली टर्म इस सीक्वेंस में क्या है, वन, तो ए का मतलब यहां पर वन, और हर बार डिवाइड करके रेशियो क्या आ रही है, ई, तो इसका सम क्या बनेगा, वन अपॉन वन माइनस ई। ठीक, मेडिकल वालों को ये लिखना पड़ेगा नोट साइड में। ठीक है यहां तक, तो देखो इसको तो एज इट इज लिख लिया, पी इंटू वन प्लस ई, इस पूरे को ऐड करके क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस ई, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आइडिया क्लियर है कि इसको कैसे किया। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कि मान लो एक बॉल है एम जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू वन, तो एक बॉल यू वन से आ रही है, सेकेंड बॉल किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, मास दोनों का एग्जैक्टली सेम, रेस्टिट्यूशन कितना, ई, जब इनकी टक्कर होगी तो दोनों अपनी वेलोसिटीज को क्या करेंगे, चेंज। रॉन्ग, क्योंकि ये कौन सी कोलिजन चल रही है, इन इलास्टिक, एक्सचेंज कब लगता है, इलास्टिक, जब ई क्या होता है, वन, इसमें नहीं लगेगा शॉर्टकट। तो कह रहे फाइनल वेलोसिटीज निकालो टक्कर के बाद, वी वन वी टू क्या होगी, हमारे पास इन इलास्टिक को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। दो चीजें हैं, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में बताओ टक्कर से पहले बॉल का मोमेंटम m इंटू यू वन, सेकेंड बॉल का क्या, जीरो, टक्कर के बाद m इंटू वी वन, m इंटू वी टू, m m m कैंसल, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। और दूसरी इक्वेशन एनर्जी की तो लग नहीं सकती क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या लगेगा, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लास्ट टाइम भी बताया था, तो रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखो, सेकेंड बॉल किस पे, रेस्ट पे, तो यू टू को जीरो लिखो, तो सॉल्व करके वी टू माइनस वी वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई इंटू यू वन आ गया। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं वी वन वी टू, दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे लिखो, ऐड करो, वी वन से वी वन कैंसल, टू वी टू इज यू वन कॉमन, तो वन प्लस ई, सॉल्व करके वी टू आ गया। वी टू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व करो, किसकी वैल्यू आएगी, वी वन की। और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा होता है टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो बताओ, दैट इज वी वन इज टू वी टू, ठीक है, इसे इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो यू वन कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा। वो तो जो ऑब्जेक्टिव आएगा तब की तब देखेंगे, बट आपको वी वन वी टू तक निकालना आ गया, ये देख लो एक बार, कोई डाउट इसमें। और इन इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करने का तरीका, पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक इलास्टिक कोलिजन की 1D, इन इलास्टिक कोलिजन की अभी कर रहे थे 1D, और थर्ड कैटेगरी है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, हमने ऑलरेडी की हुई है, ये रहा इसी असाइनमेंट का ऊपर वाला पेज है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज आपस में चिपक जाती हैं और कॉमन वेलोसिटी से मूव करती हैं। हमने ये लास्ट टाइम भी किया था और वर्क पर एनर्जी में भी किया था, और बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है, अब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी पढ़ाने की, कि एक बार पिछले महीने करवा दो, एक बार पिछले लेक्चर में करवा दो, एक बार फिर करवा दो, आसान हो जाएगी चीज, देखो आसान हो जाएगी। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एक बॉल आ रही है एम वन विद यू, सेकेंड बॉल रेस्ट पे है, टक्कर होती है, कंबाइन होके दे मूव विद कॉमन वेलोसिटी, और कुछ काम करे ना करे मोमेंटम कंजर्वेशन तो चलेगा। टक्कर से पहले मोमेंटम एम इंटू यू, इसका मोमेंटम जीरो, और कंबाइंड का मोमेंटम एम वन प्लस एम टू इंटू कॉमन वेलोसिटी, फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कॉमन वेलोसिटी। ऐसा हमने पहले भी किया, इसका एग्जांपल हमने वर्क पर एनर्जी में किया हुआ है, कैसे, एक पेंडुलम है, नीचे एक ब्लॉक लटक रहा है ऑफ मास कैपिटल एम, एक बुलेट आ रही है विद वेलोसिटी ऑफ यू, ये इसे हिट करेगी,
बाहर नहीं निकल पाएगी, बीच में फंस जाएगी, फिर ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, बताओ कितनी हाइट अटेन करेंगे। वर्क एनर्जी पार में सेम प्रॉब्लम की हुई है। फिर देखो एक बार, जब ये इसे हिट करेगा तो इकट्ठे चलेंगे, फर्स्ट फाइंड कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी के लिए, क्योंकि इनकी सेपरेशन नहीं हो रही, कौन सी कैटेगरी ऑफ कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक। टक्कर से पहले बुलेट का मोमेंटम mu, ब्लॉक का कितना, जीरो। टक्कर के बाद कॉमन वेलोसिटी के लिए m प्लस m इनटू v कॉमन, सॉल्व करके v कॉमन आ गया। तो दोनों इकट्ठे चल पड़ेंगे विद कॉमन वेलोसिटी v कॉमन। अब वर्क पर एनर्जी और सर्कुलर की प्रॉब्लम हो गई कि ये इकट्ठे चल पड़े विद v कॉमन m प्लस m, और मान लो h हाइट अटेन करते हैं। काफी प्रॉब्लम सर्कुलर में की थी ऐसी, क्या लगता था, एनर्जी कंजर्वेशन। लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम, इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम विल रिमेन सेम। लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक कितनी, हाफ एम प्लस एम इंटू वी कॉमन स्क्वायर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच और काइनेटिक कितनी, जीरो। इसको इसके इक्वल कर लिया, इस टर्म को इसके इक्वल कर लिया, वी कॉमन ये रहा, इस v कॉमन को इसकी जगह पुट किया, होल स्क्वायर हो गया, सॉल्व करके h कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप क्लियर है? 1D 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 के एग्जांपल्स क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्योंकि अब आपके एग्जाम्स हैं तो मेरा पेस थोड़ा नॉर्मल चलेगा, जैसे आपने देख ही लिया, इससे कम तो क्या ही चलेगा। प्रैक्टिस यहीं पे होगी क्लास में कुछ दिन, क्योंकि घर में मैं होमवर्क बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप स्ट्रेस में होंगे और फायदा भी नहीं है होमवर्क देने का। तो यही कि यही हम क्वेश्चंस किया करेंगे और कोलिजन्स को खत्म करेंगे, राइट। स्लो डाउन मतलब ये नहीं है कि बंद ही कर दिया 15 दिन, कोर्स तो आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होगा कि घर जाके बहुत कम काम होगा, यहीं पे होगा जो होगा, ठीक। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, दो मिनट रुको। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है करने के लिए, ये भी सुन लो। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज रिसेप्शन से क्वेश्चन पेपर लें, ये मॉडल स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, और दो पेपर्स दिए मैंने सॉल्व करने के लिए। तो मंडे तक आप प्लीज कम से कम एक पेपर तो लिखित लूज शीट्स पे सॉल्व करके, दो कर सको फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको एक बार प्लीज चेक करवाना है स्कूल के एग्जाम से पहले कि आप कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आता सब कुछ है, लिखना कैसे है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, प्लीज प्रॉपर अटेम्प्ट करके आपने एक बार सबमिट करवाना है। सबको असाइनमेंट मिल गई? जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी प्लीज रिसेप्शन से असाइनमेंट ले लें। और ये असाइनमेंट जो है ये सितंबर एग्जाम के अंदर सेव्ड है, तो रिसेप्शन पे बोल देना कि असाइनमेंट्स नाम का फोल्डर है, उसमें प्लस वन नाम का फोल्डर है, बाहर ही पड़ी हुई है, सितंबर एग्जाम पेपर फॉर प्रैक्टिस, ठीक। यहां से प्रिंट आउट ले ले, ठीक।